प्रत्यारणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ప్రతి ఒక్క జన్మకి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది, ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవితం. కృష్ణుడు ఎందుకు పుట్టాడు? దేవకికి పుట్టిన కృష్ణుడు ఎందుకు యశోద దగ్గర తిరిగాడు? కృష్ణుడు కుస్తీ యుద్ధంలో కంసుణ్ణి ఎందుకు చంపాడు? అతని ఉద్దేశం ఏంటి? అది ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే పైల్వాన్ కృష్ణుడి కథ. అయ్యో, ఎవరో ఈ పిల్లలు అనాథిగా ఉద్దేశించారు. मेरी बेटी जैसा नहीं,
ഇത് ബേറ്റിയാവോ? വേഗം വേണ്ട. ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चराट तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion. सुन, मेरे जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। से भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सच कुछ तुझमें इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखाओ। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा, टोनी मेरा शागिर्द है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा।
धोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहाँ कहीं था? हमला, हमला पप्पू राव नाम है मेरा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा, सब में हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जानता हूँ सब। क्या कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया, आने जाने वाले लोगों ने तू पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। दूध पीजे ना। अरे हर बच्चे कुछ इज्जत को क्यों मिलती है? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर। दूध पी के धन पहल। मैं विजेंद्र, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है। अरे अरे वाह वाह वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओ, यानी इतना अनमोल है। जी हाँ, ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किक्का को देख पाते। किक्का शेर की तरह अखाड़े में उतरता था। शेर था वो, शेर। लौंडा तो पैदा कर नहीं सकाई, इससे हम कहां छोड़ रहे हैं? अगर इसको
असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो बात करके देख ले। सेलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप, अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गए खजूर में अटके, गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है, ये लोग पूछने वाली बात है। सुंदर चेहरा, चेहरे की वो रौनक, आकर्षण है। निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब उस पर रखना, उसी तरफ। ए इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? Thank you.
कि तूने मैरिज करा ली। उसे बताना मत। बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है, नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ। से लगा है
मुझे नहीं पता सर, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये है हमारे गांव के महाराजा। वर्षों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा हा? राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है। नहीं कौन देखता हूं। राजा साहब ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बना है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जरूरत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ। नहीं राजा साहब नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, इसने अनजाने में गलती कर दी है। चलो सल्यूट मार। सल्यूट मारेगा ना राजा साहब? ये तो यहां धुनी रमाए बैठे हैं भाई। होकर आए? मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। क्यों भैया, प्रसाद तो मिलाना। प्रसाद? मंदिर कैसे? तू दरवाजा बंद था तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये अब तक घर में गए? आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जा, जा। मुन्ना आके सो जाना। लड्डू लेके आए हैं, लड्डू दो ना। तुम जा। फोन पे तो बहस कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया? खा लो देर भी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। तेरे बारे में कोई कुछ बोला? छोड़ेगा नहीं। वहां हवा बेटे ने निकाली और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा है, क्या किस्मत है। सब कुछ बता देगा। दिमाग नहीं तुझे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ठोकता है और बेटा बजाता है। और इन गिनत भी मुझे दे देना। इसे बाहर कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन गजानन देशपांडे ने अचानक
से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी? पापा ने फिक्स की है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं है पापा, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी करोगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी देखना तुम। अच्छा, उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। कृष्णा की शादी के लिए लड़कियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब तक वो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा शादी नहीं करेगा। मेरे सामने बोल दिए, उसके सामने भूल कर भी मत बोलना, हंगामा कर देगा। कुछ ज्यादा ही हंस रहा, क्या हुआ, क्या बात है? भरोसा नहीं कुछ पे? क्या नहीं की तो पीटा नहीं। एक बार बोला तो यकीन नहीं होता क्या? देख उधर जो बैठी है उस बिल्ली की कसम पिया तो देख, कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है ना? अच्छा पता किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा है? एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। करेक्ट है ना? लव कभी फेल होता है क्या? कौन लव मुझसे? तेरे फेल होने में मुझे डाउट है या पप्पू? कैसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? अबे पीता नहीं बोल के पूरा पावा ढके दिया तूने। चल छोड़ जान दे, पूछते हो देख रहा ध्यान से सुन। बता ये लव है ना, ये सिक्स टाइम जैसा होता है, आना मुश्किल है और तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पू, नीचे देख एक पेट ऐसे आराम से आता है पप्पू, आने के बाद तुम कुछ भी करो महीने तक तुम्हारे साथ रहना है, समझे? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पू? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा? हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना ऐसा सरकार बोलते हैं, इसकी हनुमान ब्रह्मचारी सरकार, ब्रह्मचारी मी और सौ ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तुझे, मुझे मुझे। बिल्ली की कसम खाई थी शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। अब एक कार्ड निकालो। सीताराम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है, राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी ना करने की कसम खाइए इसने। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साक्षात हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुम उसे देखोगे, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि जल वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। अरे वाह, प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया।
लक्ष्मी माता मैं आ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम, राम, हाँ तुम ही? राम नहीं, कृष्णा, नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ राम, तुम जाओ। ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया, कंफ्यूज कर दिया है। माता, माता, मैं आपका भक्त हूँ, बात को कैच करो। चले भैया, मैं तो पानी पीने जा रहा था।
पानी पीने जा रहा है या हफ्ते की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वाला पकवा से डिब्बे में डाल के खोले मारा क्या हुआ तुझे? उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार सभ्यता क्या मुझसे ज्यादा जाते थे? इसके चक्कर में पड़ा था लौटा लेके घूमता रहेगा लौटा गन्ना चाहता ना तो गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देगा तुझे संताना। और सुन तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। अरे देखा तुमने, सीखो। ये क्या है भैया? पीला लंगोर बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। क्या काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? अबे चैंपियन, वो कहो सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए। वो ना वो बिदल जाता है, मैं दिखाऊंगा और वो बिदलेगा मुझे। ओ मैडम, मैडम सिगरेट गुटका का बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आ गया आइए। कृष्णा, ए कृष्णा, भाई वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, आप जाइए। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा, बोलेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी। आवाज आएगी, सुनो सुनो सुनो, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना, अरे बैठिए। थैंक यू। ये सांतान कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? तुझे पता नहीं है ना, बियर सिगरेट गुटखा ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बैठा आई थी इसके, ये आके लेके गई यार बस। तो कोई आदत ही नहीं है, तो चली गई यार बस। सुबह यार आप बैठिए ना, आप बैठिए। दिशा भी सही दिखाई थी और ज्योतिष भी करेक्ट ही बोला था। मेरा नाम है रुक्कू। रुक्कू शुभपनी। रुक्कूनी चला मैं रुक्कू नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण। नाइस फ्रेंड्स। विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के सिर्फ चार पहलवानों को चुना गया है, उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर भारत वाले के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। पैसा मिलता है, आपने कभी उस पर बेट लगाई है क्या? आप उस
पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है। तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही है क्या? आपको जीत चलना था? अच्छा चलाती हूँ ना। चलो आप उड़ाते हैं। लेटर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, वो उसे जरूर भेजेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। Thank you.
इसलिए ये जगह उनके लिए है। उनके लिए मतलब? आपके फ्रेंड। ओह, एक ही दिन में इतना रिस्पेक्ट। थोड़ा 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 करके एक दिन मुझे निपटा ही देगी, पर बाहर मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा, खुद ही देखिए। हे कृष्णा, मुझे खुश लग रहा है। इतना अचानक क्यों बुलाया? डैडी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या मुझे अचानक बोला? क्या ऐसे बोल रही है? डर लग रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करना। ओके, सर। किचन नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा। प्यार से किचन बुलाते। साउंड सो स्टूपिड। ये लो ब्लैंकेट, जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना यही सोचो है ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा साबुन? हाँ सर। सूच? नो सरप्राइज। ओके फाइन, मैं ही लिख देता हूँ। अकाउंट में नाम क्या है? नहीं? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों पूछ रहे हैं आप। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूँ तुम्हें चाहिए क्यों। वैसे तू जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए, मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर कहाँ जा रहे हो? सर वो मुंह बंद करके जाना चाहता हूँ सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा, ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर। आपका बड़ा बंगला, बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू, मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलना सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग उनसे छोटे छोटे बच्चे तक बहुत प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर, इतना काफी है। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो अगर मुझसे पंगा लिया तो ऐसा बोलने वाला मैं समझ नहीं हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। और एक बात मामू, तुझे से ये स्कीम कैसी है? तेरी जैसी बेटी पैदा हुई का दूल्हा मैं हूं, तो आपका दामाद भी मैं ही हूं। ससुर जी हैं, जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है, तो ऐसी हालत में शादी अगले महीने। अब शादी की तैयारी कीजिए। मैं अपनी जुबान देता हूं, मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। मैं पहले जाकर पाटिल साहब से राय सुनने की बात करूं। अच्छा सर, नमस्ते, बात कर सकता हूं? सर अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर?
क्यों सरकार ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? सरकार क्यों ऐसा पूछ रहा? सच में या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगा। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? Hey, what happened?
नमस्कार। తప్పు వల్ల ఇక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసా? నాకు తెలిసి సర్కారు ముందు ఇంతవరకు ఎవరు ఇలా మాట్లాడలేదు. అసలు మీ నాన్న ఎన్ని మాటలు సర్కార్, వీళ్ళకు కూడా ఇలా అవుతుందని తెలియదు సర్కార్. सामने जो आदमी खड़ा है मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था ये नहीं है वो। हाँ लेकिन देखिए बुजुर्ग ने आप इसीलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिरा दिया तुमने। आज मैं तुमसे दो वचन मांगता हूं, तुम पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे ये करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना thank you.
लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। भगवान मेरी बेटी, उसकी क्या गलती, उसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था, ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग मुद्रा डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है। ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये पैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहाँ देख लो ना, ये नहीं चाहिए ताजा। सकता
इसलिए उसका गदा उसकी ट्रॉफी किसी और को दे दिया। आपने उसे अपने घर से जरूर निकाल दिया है सरकार, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए। कृष्णा, जानू सो रही है क्या? हाँ दादा जी। देखो हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना, आज पहली आरती है, कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी। सरकार बहुत खुश होंगे आज। चार घंटे बैठ के सिखाऊ मैं पहनाऊंगा ना। जानू जानू। हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोक्युलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा।
पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूं थोड़ा दूध। कैसा है? किच्छा? अच्छा मान। ठीक नहीं, चार साल से ठीक नहीं हूं। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है, मैं दूल्हा हूं। अच्छा, अगर घर में मातम है, मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार, तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दी। ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता। मरना है तो मर ले, सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स हूं। तू मिल गया ना? थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्छा, कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है। तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है, पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, मेरी पर्सनालिटी पे ये मटके शटके सोटे करते हैं। पहलवान अरे, आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यार है। कहाँ है? बरे बरे बरा बरे 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 बरा बरे 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 बरा बरे 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 बरा। पहलवान को तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा। नमकीन बिस्किट पांच से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ। धोनी को हराओगे तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। तुम समझ में आएगा किसके कितने औकात है। अरे
पहलवान, ये बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लो, पर उतरेगा तो अखाड़े में, वादा है उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे, मारने नहीं रणा, बोलने आया हूं रणा। मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मतलब इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वाले को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देंगे। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है रणा, हमने मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपनी सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा, दिए वो वचन फटी को मैं। पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती जी। पापा, तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा? हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। आशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से हो सकती कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कृष्णा पैसे मांगे थे ना तुमने? बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है बताए? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है। मैं तो स्ट्रॉन्ग फादर हूँ भैया, स्ट्रॉन्ग फादर। कृष्णा, तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी। इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का ऐड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई और हम लोग कम है, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। ए, चलो रे, चलो। तुझे क्या चाहिए? वो काम नहीं करता हूँ। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम ही करता हूँ सेठ जी। उनको जो देने वाले तो वही दीजिए प्लीज। अकेले कैसे करोगे? काम बहुत ज्यादा है यार। करूँगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सेठ, शुरू हो जा। थैंक्स सेठ जी। ए पांडे। हाँ भाई। जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी आ।
पेशेंट को मैंने कभी कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचिए कि फिर से तकलीफ देने आए हो सर, मन में जो बातें बोल रहे हो। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ इकट्ठा फोटो नजर कहीं नहीं मिली। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ 1 घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर। तो जिस बच्ची को अपने 22 साल में पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो पर क्या गुजरी होगी। अब सर से दो सर में तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप और उसकी परवरिश करने वाले आप हो। एक अच्छे बाप जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप बस वो आता ही सर। नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किता का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में फोटो देखी थी, यही है ना? यही है सर हमारा किचन। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट थी, हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हाँ? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो जानू।
नहीं मिला। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है।
बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे उस दिन घर छोड़ के जा रहा था, तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना कुश्ती के बिना बहुत दर्द होगा। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात उठता रहता मैं, समझता था कि मेरी तकलीफ ही बढ़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने के बाद पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ ठीक है, आओ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया, घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत सी पड़ गई, दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई। भैया मुन्ना किधर? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूँगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। मुझे बाहर निकलना है।
लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। हम लोग यही रहते हैं, आना कभी। चलती हूँ। हाँ सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी। फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर आग कर देती है। इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे, उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे? भूखे को रोटी नहीं। Okay, good. Aha, you know the Tony King story,
చెప్పే జాగ్రత్తగా విను. ఇది బాక్సింగ్ కుస్తీ కాదు. నువ్వు అనుకునే దానికి ఎగ్జాక్ట్ వాడు రివర్సల్ చేస్తున్నాడు. వాడిని వాడి దారిలోకి వెళ్లి కొట్టాలి. సరిగ్గా ఫోకస్ చేసే కౌంటర్ ఇవ్వు. ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు మీ అపోనెంట్ టోనీ గురించి ఏం చెప్తారు? టోనీ గారు చాలా పెద్ద ప్రతిభావంతులు. వారితో బాక్సింగ్ చేసే అవకాశం నాకు దొరికినందుకు ఆనందంగా ఉంది. కృష్ణ గారు కుస్తీ వదిలి బాక్సింగ్ ఎందుకు వచ్చారు? సార్, డబ్బు కోసం సార్. డబ్బు కోసం? ఈ డబ్బు కావాలని చెప్పింది నా కోసం కాదు సార్. వెన్ను తట్టేవారు ఎవరు లేక
ప్రతిభ కలిగిన పిల్లలు పని చేసుకుంటూ అక్కడెక్కడ జీవితం గడుపుతున్నారు. ఎవరైనా కొంచెం ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పిల్లలకి దొరికితే రేపు ఇదే రాష్ట్రానికి ఇదే దేశానికి చాలా పెద్ద క్రీడాకారులు సేవలు అందిస్తారన్న నమ్మకం సార్ నాకు. టోనీజీ, లేకిన్ ఇస్ ఫినాలే కే బారే మే ఆప్ క్యా కహనా చాహతే హై? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షాక్, క్విస్ట్ అండ్ షాక్. ఫైనల్ కృష్ణ గారు సార్ గెలుస్తారా? నేను గెలుస్తానో గెలవన తెలియదు సార్, కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం, జీవితంలో ఓటమిని మాత్రం నేను సులభంగా ఒప్పుకోను. స్కూల్లో స్టేట్ లెవెల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ని ముందుకెళ్ళడానికి నాకు ఎవ్వరూ సాయం చేయలేదు. పైలవాడి కృష్ణ గారు మన రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే ఆదర్శం, దేశానికే గర్వకారణం. నా కంపెనీ వాళ్ళందరూ 1 month శాలరీ పిల్లల స్పోర్ట్స్ కోసం డొనేట్ చేస్తారు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా కొడుకు గెలిస్తే నా కొడుకు గెలిచినట్టే జనాలు మనసులు గెలిచిన పల్లివాన్ కృష్ణ రేపు బాక్సింగ్ రింగ్ లో టోనీ మీద గెలుస్తారా? తప్పక చూడాల్సిందే. ఇంకో అడుగు వేయటం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు, కానీ ఆ ఒక్క అడుగు వేయకపోతే గమ్యాన్ని చేరుకోలేము. ఇది ఫైనల్, మీరే రాకపోతే ఎలా? ఏ రోజైతే నేను టోనీ ముందు ఒకరిని నిలబెట్టానో ఆ రోజే నేను నా 12 గెలిచాం బాబు. ఈ రోజు జరుగుతున్న యుద్ధం ఫైనల్స్, అది నాది కాదు అతనిది, ఇది అతనికే చెందాలి. అక్కడ ఈ రోజున అవసరం అతనికి ఖచ్చితంగా లేదు. ఏ కారణం కోసమైతే అతను బాక్సింగ్ రింగ్ లోకి దిగాడో అదే అతనికి శక్తిగా నిలబడుతుంది.
2, 3. నువ్వు కొడుకువి, నిన్ను నా కొడుకు అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉంది. బలముందన్న అంతో కొట్టేవాడు నువ్వు, కానీ బలమైన కారణం కోసం కొట్టేవాడు యోధుడు. Thank you.
ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಿಚ್ಚ? ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.